ये बरगद का पेड़ और सीताकुंड टूरिस्ट पुराना चीज है और इसके बाद का ही मंदिर बनाया। हम तो हमारा जन्म कर्म भी नहीं था, लेकिन आते हैं। टूरिस्ट यहाँ जम के आते हैं, लेकिन टूरिस्ट ने शिकायत करते हैं, टूरिस्ट ये शिकायत करते हैं कि हमारे अभी अभी तक ये मंदिर गिरने का नबत आ चुका है, जर्जर पड़ गया है, लेकिन इसमें कोई मीडिया वहां तक नहीं पहुंचा रहा है, न कोई सरकार इसमें ध्यान दे रहा है। बताइए चाचा, ये मैकलुसीगंज में क्या है, ये जो एक साथ मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारा दिख रहा है, ये कब से और क्यों ऐसे बुरी हालत में है? देखिए, तो बनाने वाला जो भी बनाए अपना अच्छा सोच कर बनाए, अभी देखने वाला को भी अच्छा सोच है कि एक जगह है और अच्छी लगती है। इस जगह बगल में सीताकुंड है, जो कि आप लोग नहीं गए हैं, नहीं जाने, और आप लोग वहाँ भी जाके देख सकते हैं। ऐसा चीज़ है कि यह सरकारी स्थल में हमारे सीताकुंड भी आ चुका है। इसमें क्या है उसमें सीताकुंड? उसमें झरना है जो कि सूखता कभी नहीं है, अच्छा, और वो काफ़ी दिनों से है, त्रेता युग से है, और ये बरगद का पेड़ और सीताकुंड पुराना चीज़ है और इसके बाद का ही मंदिर बनाया। हम तो हमारा जन्म कर्म भी नहीं था, लेकिन काफ़ी पुराना ये भी लग रहा है। आप लेकिन कब से यहाँ पे यहाँ रहते हम हैं? 1990 से हैं। तो इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता है? नहीं, आज तक मेंटेनेंस नहीं, एक खाली बाउंड्री भर हो गया है, उसमें भी मतलब लेप पोत के निकल गया, कुछ फंड का था उतना मेरा मालूम नहीं है, लेकिन काम 9 फीट का बोले थे सुबोध कांत, 9 फीट का ही बाउंड्री हुआ ही नहीं। अभी देख सकते हैं आप लोग कि 9 फीट का ही बाउंड्री नहीं है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट यहाँ जम के आते हैं, लेकिन टूरिस्ट ने शिकायत करते हैं, टूरिस्ट ये शिकायत करते हैं कि हमारे अभी सरकार बीजेपी का है और अभी मीडिया वाला हर जगह छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन जगह क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ तक मीडिया वाला नहीं पहुँच रहे हैं और इस बात को आगे नहीं फैला रहे हैं जो कि अभी तक ये मंदिर गिरने का नबत आ चुका है, जर्जर पड़ गया है, लेकिन इसमें कोई मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँचा रहा है, न कोई सरकार इसमें ध्यान दे रहा है। इसमें इतना तक दिक्कत है कि हम लोग का पानी हाथ धोने के लिए चापाकल नहीं है, जो कि हम लोग बोतल के पानी से इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ आने से तो हम लोग आइए जाते हैं, दूर से आए तो घूमने आ जाते हैं, मखलूसीगंज आए तो दूली सर्वधर्म स्थल हम लोग आ जाते हैं। लेकिन ये बताइए, जैसे मान लिया मैकलुसकीगंज कोई आता है अगर, तो क्या 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 घूमेगा यहाँ पे आके? मखलूसीगंज में 3 गो चीज़ है। मखलूसीगंज में फर्स्ट है जागृति विहार, कहाँ पे है ये, जो जागृति विहार आपको ये रेलवे क्रॉसिंग पार करके है, क्या है उसमें जागृति विहार? उसमें पहले ज़माना में वो लोग अंग्रेज लोग का बाउंड्री उंड्री किया हुआ था, अब तो फिर प्राइवेट ले लिया है कि क्या गया वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन उसमें देखने के लिए वहाँ घना घोर बरगद का पेड़ है और काफ़ी लंबा चौड़ा बाउंड्री किया हुआ है, तो वहाँ घूमने फिरने टहलने के लिए लोग वहाँ पर जाते ही हैं और देखते भी हैं। तो जागृति बिहार, राजा बंगला, कहाँ पे है राजा बंगला? उसी के बगल में राजा बंगला है, ये सब सब मैकलुसीगंज टाउन में है। हाँ मखलूसीगंज में है, और मखलूसीगंज में 4 चीज़ है। डेगा डेगी एक पार्क की अथी नदी है, वो डेगा डेगी नामी है, उसके भी देखने लोग आते हैं दूर कहाँ पे दूर। है डेगा डेगी नदी? वो जागृति विहार से जस्ट थोड़ा सा आगे है, डुमारो वाला रोड में है। अच्छा, तो क्या है उस नदी में खास उस बात? नदी में पहले ज़माने में कहता था लोग कि भूत प्रेत लोग वहाँ लाठी डंडा खेला था, अच्छा। और उसी विश्वास पर आज लोग माने या ना माने, आज लोग देखने आते हैं उसी भूत प्रेत वाला को। लेकिन यह सचित जो मंदिर मूर्ति और सर्वधर्म है, इससे कोई रुचित नहीं रखते हैं और न इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार यादव है, अच्छा, घर यहीं है हमारे घर मैकलुसीगंज। यहीं है और हम काफ़ी दिनों से सेवा कर रहे हैं, बहुत ही हमारे यहाँ से वीडियो चला गया, लेकिन अभी तक न सरकार तक पहुँचा है, न इसका कोई साधन, न कोई रख रखाव, न कोई इसमें मरम्मती, न कोई पेंट पोचाड़ा, न पूजा पाठ इसमें ढंग से कोई भी हो ही नहीं रहा। हम लोग जन्माष्टमी में बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी प्रशासन बोलता है चंदा उंदा मत करो, जो बनता है अपने से करो, नहीं तो छोड़ दो।